नमस्कार, मैं प्रिया धराधर 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। भारत में एक दिन के भीतर कोरोना वायरस के 6,358 नए मामले सामने आए। इस दौरान 6,450 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज हुए। अब देश में सक्रिय मामलों की संख्या 75,456 पर पहुंच गई है, जबकि कुल रिकवरी दर 98.40% है। इस बीच कोरोना वायरस के नए ओमिक्रॉन वेरियंट के मामले देश के कई राज्यों में बढ़ते दिख रहे हैं। दिल्ली और महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित है, यहाँ ओमिक्रॉन वेरियंट के सबसे अधिक मामले सामने आए हैं। इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर से आयकर विभाग ने 250 करोड़ रुपए बरामद किए, लेकिन सैकड़ों करोड़ रुपए अपने घर में भरकर रखने वाले पीयूष जैन को उनके गांव कन्नौज में उनकी सादगी के लिए जाना जाता है। वो अभी तक पुराने स्कूटर से ही कन्नौज में घुमा करता था। इतना ही नहीं, पीयूष जैन ने घर के बाहर दो गाड़ियां रखी थी, जिनमें से एक क्वालिस और दूसरी मारुति थी। आम आदमी पार्टी ने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के नाम वाले शख्स को ही उनके खिलाफ अपना उम्मीदवार बनाया है। आपने श्री चमकौर साहिब विधानसभा सीट से डॉक्टर चरणजीत सिंह को अपना कैंडिडेट बनाया है। इस सीट से पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी मौजूदा विधानसभा सदस्य है। बता दें कि डॉक्टर चरणजीत सिंह आम आदमी पार्टी में आने से पहले पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव थे। चरणजीत सिंह आंखों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर है। श्रीलंका की आर्थिक स्थिति बुरे हाल में है। श्रीलंका के विदेश मुद्रा भंडार को बचाने के लिए 3 विदेशी राजनयिक मिशनों को बंद करने की घोषणा कर दी गई है। श्रीलंका के सेंट्रल बैंक ने जरूरी आयात के वित्त पोषण के लिए आवश्यक डॉलर पर सख्त नियंत्रण लागू किया है। श्रीलंका के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि जर्मनी, नाइजीरिया और साइप्रस में वाणिज्य दूतावास जनवरी 2022 में बंद रहेंगे। मंत्रालय ने यह भी बताया है कि देश के बेहद जरूरी विदेशी भंडार के संरक्षण और विदेश में श्रीलंका के मिशनों के रखरखाव से संबंधित खर्च को कम करने के मकसद से ऐसा फैसला लिया गया है। कर्नाटक के एक सरकारी स्कूल में मिड डे मील खाने के बाद 80 बच्चे बीमार पड़ गए हैं। छात्रों को बीमार पड़ने का मामला सामने आया है। ये मामला कर्नाटक के हावेरी जिले का है। इंडिया टुडे की खबर के मुताबिक टंडा गांव के वेंकटपुरा में सरकारी स्कूल के मिड डे मील में कथित तौर पर मरी हुई छिपकली मिली थी। बीमार हुए सभी 80 छात्र को रानी बेन्नूर टाउन के सरकारी अस्पताल ले जाया गया। राजस्थान के कई जिलों में लगातार ठिठुरती ठंड से लोगों के हाल बेहाल हो रहे हैं। वहीं हालात शिक्षा नगरी कोटा में भी देखने को मिल रही है। शहर में कई जगहों पर फुटपाथ पर सो रहे लोगों को रात गुजारना मुश्किल हो रहा है। इस ठिठुरती ठंड में लोगों को राहत देने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इन लोगों के बीच पहुंचे हैं और इनको कंबल ओढ़ाया। सोमवार देर रात को बिरला शहर के भ्रमण पर निकले और छावनी फ्लाईओवर के नीचे सो रहे लोगों से मुलाकात की और उनको कंबल ओढ़ाकर सुरक्षित स्थान पर सोने की सलाह भी दी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के दीक्षा समारोह में बतौर मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत कर चुके हैं। आईआईटी निदेशक अभय किरंदकर ने स्मृति चिन्ह भेंट करके उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये दौर 21वीं सदी पूरी तरह टेक्नोलॉजी वाला है। ये अलग अलग क्षेत्र में अपना दबदबा बना रहा है। बिना टेक्नोलॉजी के जीवन अधूरा है। अब जीवन और टेक्नोलॉजी के स्पर्धा का युग है। आईआईटी टैलेंट और टेक्नोलॉजी की इक्यूबेशन सेंटर है। सुल्तानपुर लोधी में एक रैली के दौरान पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने पुलिस पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। मामले में अब चंडीगढ़ पुलिस के डीएसपी दिलेश्वर सिंह चंदेल ने सिद्धू को मानहानि का नोटिस भेज दिया है और बिना शर्त माफी मांगने को कहा है। दिलशेर सिंह चंदेल ने अपने वकील रंजीवन सिंह के जरिए सिद्धू को लीगल नोटिस भेजकर कहा है कि सिद्धू का यह बयान पुलिस की प्रतिष्ठा पर वार है, जिसके लिए सिद्धू को माफी मांगनी चाहिए। अगर सिद्धू ने अपने इस बयान पर बिना शर्त माफी नहीं मांगी तो वो इस मामले को लेकर सिद्धू के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करवा सकते हैं। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए उत्तराखंड पहुंचने वाले पर्यटकों की भीड़ को लेकर शासन प्रशासन अलर्ट हो गई है। क्रिसमस के बाद अब 31 और न्यू ईयर का जश्न मनाने के लिए बड़ी तादाद में पर्यटक नैनीताल समेत उत्तराखंड के पर्यटन स्थलों पर पहुंचेंगे, जिसे देखते हुए उत्तराखंड में नाइट कर्फ्यू लगा दी गई है। ऐसे में हिल स्टेशनों पर पहुंचने वाले पर्यटक इस बार रात 12 बजे सार्वजनिक क्षेत्र में जश्न नहीं मना सकेंगे। रणवीर सिंह की फिल्म 83 की हालत बॉक्स ऑफिस पर अच्छी नहीं है। ओपनिंग वीकेंड में नेट कलेक्शन का अधर्द शतक लगाने से चूकी। 83 का पहले सोमवार को भी कलेक्शन निराशाजनक रहा। वर्किंग वीक शुरू होने पर फिल्मों के कलेक्शंस गिरना सामान्य बात है, मगर सिंगल डिजिट में पहुंच जाना चिंता की बात है। ट्रेड जानकारों के पूर्वानुमान है कि फिल्म ने सोमवार को 7 करोड़ के आसपास कलेक्शन किया है। हालांकि अभी निर्माताओं की तरफ से अंतिम आंकड़े आना बाकी है, जिसके बाद यह आंकड़ा घट बढ़ सकता है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के अध्यक्ष और टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। सौरभ गांगुली को कोरोना संक्रमित पाया गया है। गांगुली का कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव पाया गया। बीसीसीआई के बॉस सौरभ गांगुली ने सोमवार को कोविड-19 का टेस्ट करवाया था, जिसकी रिपोर्ट सोमवार की देर शाम को मिली और वो रिपोर्ट पॉजिटिव थी।
देश में ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। देश भर में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या अब 650 के पार हो गई है। सोमवार को भी कुछ राज्यों में ओमिक्रॉन के नए मामले सामने आए। इसके अलावा ओमिक्रॉन अब नॉर्थ ईस्ट भी पहुंच गया है। सोमवार को मणिपुर में इसका पहला केस सामने आया है। साथ ही गोवा में भी ओमिक्रॉन से 8 साल का बच्चा संक्रमित पाया गया है। ओमिक्रॉन के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों को सतर्कता बरतने की सलाह दी है। पंजाब में जारी किसान आंदोलन के चलते लगातार आज यानी मंगलवार को 9वें दिन भी जम्मू से रेल यातायात पूरी तरह से बाधित रही। ना ही कोई रेलगाड़ी जम्मू पहुंची और ना ही जम्मू से कोई रवाना हो पाई है। यात्रियों की परेशानी को देखते हुए भारतीय रेलवे ने मंगलवार से वीरवार यानी 3 दिनों तक विशेष रेलगाड़ी को चलाने का फैसला लिया है। यह रेलगाड़ी श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन से अमृतसर के बीच चलेगी। यूपीएससी ने एनडीए और एनए परीक्षा परिणाम जारी करने के बाद आयोग ने मार्क्स रिलीज कर दिए हैं। संघ लोक सेवा आयोग ने एनडीए और एनए परीक्षा के अंक ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर रिलीज कर दिया है। ऐसे में जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे वो अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। इसके लिए उम्मीदवारों को अपना जरूरी डिटेल एंटर करना होगा। इसके बाद अभ्यर्थियों को नंबर का पीडीएफ देखने लगेगा जिसमें वो अपने स्कोर को देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा को लेकर प्रशासनिक तैयारी तेज हो गई है। मंच पर प्रधानमंत्री के अगल बगल बैठने वालों को कोविड नेगेटिव होना अनिवार्य है। वहीं सभा स्थल पर बाहर से पहुंचने वाले प्रत्येक पुलिसकर्मी और अन्य लोगों की जांच भी होगी। प्रधानमंत्री की 30 दिसंबर को एमबी इंटर कॉलेज के मैदान में सभा प्रस्तावित है। इसके लिए मंच सज चुका है। SPG भी पहुंच चुकी है। तैयारियां जोर शोर से चल रही है। ओमिक्रॉन की आहट के चलते सतर्कता भी बरती जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस चुनाव अभियान समिति अध्यक्ष हरीश रावत और कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की रविवार देर रात्रि मुलाकात की चर्चाओं से राज्य की राजनीति गर्म हो गई है। दोनों नेता एक ही होटल में रुक रहे हैं। हालांकि संपर्क करने पर कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने हरीश रावत के साथ मुलाकात से इनकार किया है। दरअसल कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की कांग्रेस में वापसी करने की चर्चा इंटरनेट मीडिया पर गाहे बगाहे जोर पकड़ती रही है। वर्ष 2022 में विदेश दौरे की शुरुआत पीएम नरेंद्र मोदी दुबई की यात्रा से करेंगे। ये यात्रा इस बात का भी उदाहरण होगा कि भारत के लिए संयुक्त अरब अमीरात की रणनीतिक अहमियत कितनी बढ़ती जा रही है। पीएम मोदी की दुबई यात्रा 6 जनवरी 2022 से शुरू हो सकती है। इस दौरान उनके दुबई एक्सपो में भाग लेने की संभावना है। दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते को आकार देने पर वार्ता चल रही है और पीएम मोदी की यात्रा के दौरान इस बारे में अहम घोषणा होने की संभावना है। कांग्रेस स्थापना दिवस के मौके पर मंगलवार को पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने हिंदी में संदेश जारी किया है। इसमें उहोंने कहा है कि हमारे प्यारे देशवासी और कांग्रेस के जाबाज साथियों, आज हम सब 136 साल पुरानी अपनी कांग्रेस का स्थापना दिवस पूरे देश में बड़े व्यापक रूप में मना रहे हैं। कांग्रेस केवल एक राजनीतिक पार्टी का ही नाम नहीं बल्कि एक आंदोलन का नाम कांग्रेस पार्टी है। देश में कोरोना वायरस को पूरी तरह हराने के लिए सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत आने वाले केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कोविड 19 वैक्सीन कोवोवैक्स और कार्बोवैक्स और एंटीवायरल दवा मोलनुपिरावीर को आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दे दी गई है। इस बात की जानकारी स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने दी है। सारा अली खान की हाल ही में फिल्म अतरंगी ने रिलीज हुई है। फिल्म को दर्शक और क्रिटिक से अच्छा रिस्पांस मिला है। अब सारा ने हाल ही में बताया है कि उनकी फिल्म देखने के बाद उनके पेरेंट्स सैफ अली खान और अमृता सिंह के साथ साथ उनके भाई इब्राहिम अली खान का कैसा रिएक्शन रहा। सारा का कहना है कि उनकी फिल्म देखने के बाद उनके पेरेंट्स रो गए थे। पंजाब कांग्रेस कमेटी के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू और मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के बीच टकराव की खबरें सामने आई है। तो वहीं सिद्धू भी सार्वजनिक तौर पर चन्नी सरकार के फैसले पर सवाल खड़े करते रहे हैं। इन सभी बातों को लेकर सिद्धू ने अपना स्टैंड क्लियर किया है। दैनिक भास्कर को दिए एक इंटरव्यू में पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह जिस तरीके से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की बात मानते थे और वो अभी किसी भी पॉलिसी को लाने से पहले पार्टी प्रधान सोनिया गांधी से चर्चा करते थे। किसान आंदोलन के चलते उत्तर प्रदेश के फिरोजपुर मंडल रेल यातायात पर काफी असर पड़ा है, जिसके चलते पूर्व मध्य रेल के विभिन्न स्टेशनों से चलाई जाने वाली कई ट्रेनों को रद्द किया गया है, जबकि कुछ ट्रेनों की गंतव्य से पहले ही सेवाएं खत्म करनी पड़ गई हैं। अगर आप भी इन रूट से यात्रा करने वाले हैं तो बेहद जरूरी है कि यात्रा शुरू करने से पहले आप उत्तर रेलवे की लिस्ट जाकर चेक कर ले, क्योंकि किसान आंदोलन के चलते कई ट्रेनों को रद्द किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब मर्सिडीज में बैक S650 में सफर करते नजर आएंगे। अब पीएम मोदी का यह बख्तरबंद वाहन उनके काफिले के हिस्से के रूप में शामिल किया गया है। पीएम का यह वाहन रेंज रोवर वोग और टोयोटा लैंड क्रूजर से अपग्रेड करते हुए इस हाईटेक वाहन को शामिल किया गया है। पिछले साल भारत में S600 गार्ड को 10.5 करोड़ रुपए में लॉन्च किया गया था। दुनिया के प्रसिद्ध उद्योगपति और पद्म विभूषण रतन टाटा का जन्मदिन है। रतन टाटा का आज यानी कि 28 दिसंबर को जन्मदिन मनाया जा रहा है। वो 84 साल के हो गए हैं। रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को अपनी अगुवाई में बुलंदी पर पहुंचाया है। रतन टाटा आज भी टाटा ग्रुप को मजबूती देने के लिए लगातार सक्रिय रहते हैं। भारत सरकार ने उनकी उपलब्धियों को देखते हुए 2008 में उन्हें दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण और 2000 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया था।
आम आदमी को खाने की तेल की महंगाई में बड़ी राहत मिली है। दरअसल खाद्य तेल कंपनियों ने खाने की तेल की कीमतों में कटौती कर दी है। ऑलमेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का कहना है कि देश की अग्रणी खाद्य तेल कंपनियों ने खाद्य तेल ब्रांड के अधिकतम खुदरा मूल्य में 10-15% की कटौती की है। अदानी विमलर और ने फॉर्च्यून ब्रांड, इमामी ने हेल्दी एंड टेस्टी ब्रांड पर और बुंगी ने डालडा गगन चंबल ब्रांड पर, जेमिनी ने फ्रीडम सनफ्लावर ऑयल ब्रांड और रुचि सोया ने महाकोश सनरिच रुचि गोल्ड और न्यूट्रला ब्रांड की एमआरपी में कटौती कर दी है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पेट्रोलियम उत्पादों पर भारत की आयात की निर्भरता को कम करने और किसानों को सीधा लाभ पहुंचाने के मकसद से देश में मौजूदा वाहन निर्माताओं से अगले 6 महीने की समयावधि में BS6 तकनीक पर आधारित फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स और फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का उत्पादन शुरू करने को कहा है। पर्यावरण के लिहाज से साल 2020 जितना ऐतिहासिक रहा, वर्ष 2021 उतना ही निचले स्तर पर पहुंच गया है। दिल्ली में बीते साल पिछले सभी रिकॉर्ड टूट गए थे। प्रदूषण लगभग शून्य के स्तर पर पहुंच गया था। लॉकडाउन की वजह से हवा की गुणवत्ता इतनी अच्छी रही कि इंसान ही नहीं पशु पक्षियों को भी नीला आसमान नसीब हुआ, मगर इस साल एक बार फिर से दमघोटू वातावरण सामने देखने को मिल रहा है। नए साल में 1 जनवरी से बिहार और उत्तर प्रदेश के रेल यात्रियों को बड़ी राहत मिलने वाली है। रेल प्रशासन ने इन दो राज्यों में आने वाली 10 जोड़ी ट्रेन 20 एक्सप्रेस ट्रेन में जनरल बोगी लगाने का फैसला किया है। इन ट्रेनों से यात्रा करने वाले मुसाफिर अनारक्षित जनरल टिकट लेकर सफर कर सकेंगे। बता दें कि कोरोना काल में भीड़ को काबू में रखने के लिए बिना रिजर्वेशन सफर करने की सुविधा बंद कर दी गई थी। मार्च 2020 में इस व्यवस्था के लागू होने के बाद यात्रियों को काफी परेशानी होने लगी थी। अब 19 महीने बाद रेलवे ने चुनिंदा ट्रेनों में जनरल डिब्बे लगाने का फैसला किया है। कोरोना के इस दौर में कुछ युवा ऐसे भी हैं जो स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़कर देश और लोगों की सेवा करना चाहते हैं। ऐसे कई युवाओं के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी UPSSSC ने हेल्थ वर्कर पदों की 9212 पदों पर अधिसूचना जारी की है। आइए हम इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को पढ़ते हैं, साथ ही आवश्यक योग्यता और रिक्त पदों का विवरण भी समझते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण राज्य केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिव और चिकित्सा पदाधिकारियों के साथ 15 से 18 साल की आयु के टीकाकरण और स्वास्थ्य देखभाल को लेकर बैठक करेंगे। सूत्रों के अनुसार बैठक में कोरोना महामारी को खत्म करने की दिशा में लगे हुए अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता और 60 से ऊपर में ऐसे नागरिक जो कि एक से अधिक बीमारी से ग्रसित है, उनके स्वास्थ्य को लेकर चर्चा की जाएगी। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है मनीष कुमार, राजा कुमार, रोहित राणा, सतीश नायक, कुंदन साजवान, इमरान खातून, विनय कुमार, गुड्डू कुमार, ललिता देवी, संतोष यादव, अरिश आलम, राम सगुन दास। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार देश में ओमिक्रॉन के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए क्या वीकेंड लॉकडाउन जैसी सख्ती को लागू कर देना चाहिए या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।